द कपिल शर्मा शो में अब एक नया विवाद सामने आया है। इस बार ये विवाद नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ा है। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप लगा है कि उन्होंने 8 अप्रैल को टेलीकास्ट हुए एपिसोड में अश्लील और डबल मीनिंग चुटकुला सुनाया। बतौर मंत्री इस शो का हिस्सा बने रहने वाले सिद्धू पर ये आरोप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर वकील HC अरोड़ा ने लगाया है। इस एपिसोड में अश्लील जोक बोलने के लिए सिद्धू के खिलाफ पंजाब के मुख्य सचिव के आगे शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार वो इस एपिसोड का वीडियो अभी हासिल नहीं कर सके हैं और जोक का जिक्र शिकायत में है, जो कथित रूप से सिद्धू द्वारा ऑन एयर बोला गया है। सिद्धू कपिल से कहते हैं कि तुम शादी कर लो, नहीं तो 40 साल की उम्र के बाद तुम अपनी प्रजनन क्षमता को खो दोगे। उन्होंने सिद्धू के एक और डायलॉग का जिक्र किया, जिसमें सिद्धू कहते हैं, एक बार एक बुजुर्ग वॉशरूम गया, वापस लौटा तो उसने अपनी पैंट के बटन बंद नहीं किए हुए थे। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो वो बोला, जिस संदूक में खजाना ना हो उसको ताला लगाने का कोई फायदा नहीं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।